हेलो फ्रेंड, वेलकम एंड बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं लाइटरूम ऐप की मदद से डार्क टोन फोटो एडिटिंग, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ये फोटो एडिटिंग करना काफ़ी इजी है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हो तो आप भी ऐसा फोटो एडिटिंग करना सीख जाओगे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, ठीक है? तो अगर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दो, एंड चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो। और हाँ, इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं करे हो तो इंस्टाग्राम का आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी और लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जाकर फॉलो कर लेना। तो बिना टाइम वेस्ट किए गाइस हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर जो हमारी फोटो है लाइटरूम ऐप के अंदर हम इसको शेयर कर लिए, तो इसको चलते हम एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके कलर वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है? और फिर मिक्स कलर वाला ऑप्शन पर आ जाएंगे। और फिर हमको क्या करना है, सभी के कलर को हमको डिक्रीज करना है, मतलब माइनस की ओर ले जाना है, ठीक है? तो सबसे पहले येलो वाला कलर पे क्लिक करेंगे और इसके सैचुरेशन को पूरा 100 माइनस कर लेंगे। फिर ग्रीन वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके भी सैचुरेशन को पूरा फुल माइनस कर लेंगे। एंड ऐसे ही ऐसे सब कलर को सैचुरेशन को माइनस कर लेंगे, ठीक है? एंड इतना ऑप्शन कर लेने बाद फिर इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये जो हमारा फेस का कलर है, तो गाइस हम फेस पे लाइट थोड़ा देना चाहते हैं, तो लाइट देने के लिए आपको क्या करना होगा, लूमिनस को थोड़ा आपको बढ़ा लेना है करीब 27 के राउंड, और सेचुरेशन को थोड़ा सा माइनस कर लेना है 10 के राउंड, एंड फिर डन कर लेना है, ठीक है? एंड गाइस डन कर लेने के बाद फिर आपको क्या करना है, ये लाइट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। और लाइट वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर सबसे फर्स्ट नंबर पर एक एक्सपोजर वाला ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा, तो एक्सपोजर को आपको माइनस की ओर ले जाना है, तो इसको माइनस 16 कर लेना है। ओके, एंड फिर कर्व वाला ऑप्शन पे क्लिक करना आपको, और ये जो लाइन आपको दिख रही होगी तो ये बीच से लाइन को पकड़ना है और इस स्टेप से ऐसे नीचे लेकर जाना है, और ये वाला जो है इसको भी थोड़ा सा नीचे लेकर आना है ऐसे, एंड फिर डन। सो गाइस डन कर लेने के बाद यहाँ पर भी आप लोग बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो, तो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा टोन आ गया है ब्लैक कलर का। तो अब क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट को हम बढ़ा लेंगे करीब 4 के अराउंड, और हाईलाइट को थोड़ा सा कम कर लेंगे गाइस करीब 23 के अराउंड, और शेडो को भी माइनस कर लेंगे, तो शेडो को माइनस 28 के अराउंड कर लेंगे, और थोड़ी सी वाइट्स की वैल्यू को बढ़ा लेंगे करीब 15 के अराउंड, और ये जो ब्लैक्स है ब्लैक्स को भी थोड़ी सी बढ़ा लेंगे 18 के अराउंड। ओके, एंड इतना ऑप्शन कर लेने के बाद फिर आ जाएंगे ये इफेक्ट वाला ऑप्शन पर। एंड गाइज इफेक्ट वाला ऑप्शन पर आ जाने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इसके क्लियरिटी को बढ़ाएंगे फोटो में, तो गाइस क्लियरिटी को हम बढ़ाकर कर लेते हैं 18 के अराउंड, ठीक है? और फिर विंगनेट को माइनस कर लेंगे, तो विंगनेट को माइनस 20 के अराउंड कर लेंगे, और थोड़ी सी टेक्सचर के वैल्यू को बढ़ा लेंगे करीब 6 के अराउंड। एंड गाइस इतना ऑप्शन करने के बाद यहाँ पर जो हमारी फोटो है ना, थोड़ा फटी फटी सी लग रही है, आप लोग देख सकते हो। तो इसको सही करने के लिए क्या करना होगा, आपको ट्रायंगल वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। एंड गाइस ट्रायंगल वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक नॉइज रिडक्शन वाला ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो थोड़ी सी नॉइज रिडक्शन को बढ़ा लेना है करीब 12 के राउंड, नॉइज रिडक्शन को बढ़ा लेंगे, और थोड़ी सी शार्पनिंग के वैल्यू को बढ़ा लेंगे करीब 8 के राउंड। तो यहाँ पर हमारी जो फोटो है पूरी फाइनल एडिटिंग हो चुकी है, आप लोग देख सकते हो, ये देखो बिफोर एंड आफ्टर, मतलब पूरा डार्क टोन में हमारा फोटो हो चुका है, ये देखो बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है? तो इसको सेव करने के लिए गैलरी में क्या करना होगा, शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर सेव टू डिवाइस पे क्लिक करना है, तो हमारी जो फोटो है गैलरी में सेव हो जाएगी। ओके, तो आई होप गाइस आपको ये एडिटिंग पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। एडिटिंग अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको एडिटिंग ये कैसी लगी। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और गाइस जिसको भी फोटो एडिटिंग करवानी है तो आप लोग हमको इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, इंस्टाग्राम का आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी और लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी गाइस आप लोग और फोटो एडिटिंग अच्छी तरह से सीखना चाहते हो तो यहाँ पर वीडियो शो हो रही होगी, तो ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो आप लोग, ठीक है? तो मिलते हैं ऐसे कई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।